वन अपॉन टू, जी बेटा, वन अपॉन टू फोर पाई, वन अपॉन टू फोर पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा? अब इधर आ जाओ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इस, जब मैं सिर्फ कर्व सरफेस, हाँ, टू पाई आर एच, क्या आ जाएगा बेटा? टू पाई आर एच, ठीक है। अब आप मुझे खुद से वैसे एक बात ये बताएं, क्या लिखा हुआ है? टू पाई आर एच, एच ठीक है। अब आप ये देखें, ये आ जाएगा टू पाई, सही है, कर्व सरफेस एरिया, सॉरी, रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना गिवन है? थ्री का स्क्वायर, टू पाई आर कितना गिवन है? थ्री। हाइट कितनी है बेटा? हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी है? 21। जरा कीजिए, जरा मल्टीप्लाई, जरा चेक करते हैं क्या आंसर आएगा। नाइन, नाइन टू सा 18, 18 पाई, ठीक है, 18 पाई आ जाएगा आपका, अलग अलग करें 56 पॉइंट, जी यह आ जाएगा 56.54, ठीक है। फिर उसके बाद टू थ्री जा सिक्स, 126, 126 पाई, ठीक है, ये कितना आ जाएगा बेटा? 126 पाई आ जाएगा 395.84 प्लस, ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 393.95.84 फोर पाई प्लस फाइव सिक्स पॉइंट फाइव फोर, ठीक है, व्हाट इज आंसर? 452, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है, 452। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज फोर, सॉरी, टोटल कितना आ जाएगा? 452.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है, चेक करो जरा, यही आंसर वो इसमें ये मेरे पास 452.39 है, 452.39 बस, सही है, ठीक है बेटा। तो व्हाट इज द कोट, व्हाट इज द आंसर बेटा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस इट विल बी इक्वल टू 452.38। इसके नीचे वाला क्वेश्चन के ऊपर आओ, ठीक है बेटा, देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लेंथ बी इज मैथमेटिकली सिमिलर टू लेंथ ए, द वॉल्यूम ऑफ लेंथ बी इज 450 सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट द टोटल हाइट। बेटा जरा सा ना आप इसको जरा गौर कीजिएगा, यहां पर जो लैंप है वो कुछ इसी तरह से ही आपका बना हुआ है, राइट, ये चलिए, ठीक है, ये आपका क्या है बेटा? लैंप बी, सही है, ठीक है बेटा, ये क्या है? लैंप, लैंप बी क्या चीज है बेटा? इस लैंप बी की जो बेटा मुझे एक बात बताइए, हाइट है, सॉरी सॉरी, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना गिवन है? वॉल्यूम ऑफ बी गिवन है 450 सेंटीमीटर क्यूब, सही है, कह रहा है बेटा कैलकुलेट द टोटल हाइट, मुझे हाइट कैलकुलेट करनी है ऑफ द लैंप बी, ठीक है। अब आप जरा सा ऊपर चलें और ऊपर चलकर मुझे एक बात ये बताइए कि वॉल्यूम कितना आया था? वॉल्यूम ऑफ लैंप ए आया था 650 और उसकी हाइट कितनी थी? 24, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए, वॉल्यूम ऑफ द लैंप ए, ठीक है, मुझे एक बात बताइए, वी ऑफ ए, ये देखें, वी ए इज इक्वल टू 650, ठीक है, 650 सेंटीमीटर क्यूब, और हाइट ऑफ ए मुझे गिवन थी कितनी? 24 सेंटीमीटर क्यूब। अब इधर देखें ना, क्योंकि बेटा देखो यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है, वो वर्ड क्या यूज किया गया है? सिमिलर, क्या यूज किया गया है? सिमिलर, ठीक है, ये वाला लैंप, लैंप बी और लैंप ए दोनों क्या हैं? सिमिलर हैं, ठीक है, जब भी सिमिलर हो और उनका वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? ये फॉर्म, ये मैं चैप्टर अभी पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अभी समझा रहा हूं, आसान सा है, ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ ए डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ बी, और वॉल्यूम है तो मैं यहां पे क्या लगा दूंगा? होल क्यू, ये चीजें याद रखा करें, अगर वॉल्यूम है तो मैं क्या लगाऊंगा? वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ ए डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ बी का होल क्यू। अगर बेटा एरिया निकालने का बोलता तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता?
एरिया ऑफ ए डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हाइट के बजाय क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी, एल वन अपॉन एल टू का होल स्क्वायर। एरिया में हमेशा क्या आता है, स्क्वायर आता है, और वॉल्यूम में हमेशा क्या आता है, क्यूब आता है। ठीक है, आप मुझे एक बात बताइए, वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ ए कितना गिवन है, 650, सही है। वॉल्यूम ऑफ बी कितना गिवन है बेटा, 450। हाइट ऑफ ए, हाइट ऑफ ए कितना गिवन है, 24, और हाइट ऑफ बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, 10 10 कैंसिल आउट, ठीक है, क्या बचेगा बेटा, यहां पर देखो बेटा, इधर 65/45 इज इक्वल टू, और 24 का क्यूब निकालें बेटा, 24 का क्यूब कितना होगा, 24 का क्यूब आपका आएगा, सही है, 13, ये आ जाएगा 13824 डिवाइडेड बाय, ये जो क्यूब है ना बेटा, ये 24 के ऊपर भी है और h के ऊपर भी है, तो ये आ जाएगा हाइट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, अब आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 65h³ इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइडेड बाय 65, और फिर मैं इसका क्या ले लूं बेटा, क्यूब रूट ले लूं। ठीक है, जब मैं इसका क्यूब रूट लूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, हाइट आ रही है 21.23, सही है, सेंटीमीटर, क्या यही आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा, जब भी वर्ड आए सिमिलर, व्हाट इज द मीनिंग सिमिलर, सिमिलर का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो वी ए अपॉन बी बी इज इक्वल टू एच ए अपॉन एच बी का होल क्यूब, और अगर एरिया की बात करेगा तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए अपॉन एरिया ऑफ बी इज इक्वल टू एल वन अपॉन एल टू का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये यहां तक का मेरा ये चीज जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, अब आगे आ जाए, ठीक है, अब नेक्स्ट में आपका क्या क्वेश्चन है, ठीक है, 60 यहां पर देखें, ठीक है, पार्ट भी करा चुका हूं, सही है बेटा, यहां देखें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन कितना लिखा हुआ है, 1/3πr² × h, अच्छा बेटा आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, वॉल्यूम ऑफ अ कोन कितना गिवन है बेटा, 1/3πr² × h, ठीक है, क्या है बेटा, 1/3πr² × h, वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या है, πr l, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या है, 4/3πr³,
और सरफेस एरिया। बेटा देखो यहां पर सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है कि शो दैट द स्लांट हाइट एक्स, ठीक है, एक्स सेंटीमीटर ऑफ द कोन, यानी कि अब मुझे ये प्रूफ करना है कि मेरी जो स्लांट हाइट है वो कितनी आ रही है, 13.4। ठीक है अब्दुल हक, इसमें स्लांट हाइट किधर है ये बता। ठीक है अब्दुल हक जल्दी से बता, स्लांट हाइट किधर है इसमें, कौन सी है, कौन सी, हाँ खड़ो की तरह से बता किधर है, किधर है रुक जाओ, कहाँ है स्लांट हाइट इसमें, ठीक है बेटा आ जाए राइट। अब देखिए बेटा इसकी जो टोटल, आप देखिए यहां पर हेमिस्फीयर एंड द कोन ऑफ ईच रेडियस, रेडियस कितना गिवन है बेटा, रेडियस कितना गिवन है, 6। ठीक है मुझे कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द स्लांट हाइट। आप मुझे एक बात बताइए, यहां से यहां तक की जो ये है ये कितना है बेटा, 6 है, और ये कितना है, 18 है, सही है। 18 में से अगर मैं ये 6 माइनस कर दूं तो ये कितना बचेगा, 12, सही है। तो इसका मतलब है कि बेटा ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 12। ठीक है कैसे सॉल्व करेंगे बताओ जरा इसको।